हंस रहे हो हैं? अब जब तक गेम में इतना नहीं पास हो तो नहीं पाते वाला अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? मैं शकील चौहान आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड एनिमल अपडेट बाय शकील में। तो दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में, और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इस टाइम आजम भट्ट साहब के सेटअप पे आया हूँ। बहुत ही प्यारा सेटअप है माशाल्लाह, हर किस्म की आपको रॉ की म्यूटेशन भी मिलेगी और बिग बर्ड्स भी मिलेंगे। तो बाकी आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि काफ़ी दोस्त जो कमेंट्स में कह रहे हैं कि हमें कौन सा बर्ड जो है परचेज करना चाहिए। तो देखें, बर्ड आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करना होता है, और अगर आप इसको हॉबी लेके चलेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर आप सिर्फ बिजनेस के पॉइंट से चलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आप थक जाएंगे, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही पेशेंस वाला काम है। पेशेंस के साथ आप सिर्फ आपका जो काम है वो ये है कि आपने इनको अच्छी डाइट देनी है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है, और आपने इनकी सफाई का ख्याल रखना है, और अच्छे सप्लीमेंटेशन वेजिटेबल फ्रूट देने हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये आपका जो भी बर्ड होगा इंशाल्लाह ताला लाजमी ब्रीड करेगा, बस थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी। तो अब बिना वक्त जाए किए चलते हैं वीडियो की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या ब्रीड्स आ रही हैं, कितने क्लचेस करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस टाइम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आजम भट्ट साहब के पार्टनर भी हैं, और ये भी माशाल्लाह इस हॉबी को साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब उनसे बाकी डिटेल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह शाहिद साहब, इन म्यूटेशन के बारे में कुछ बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जो रॉ की म्यूटेशन अवेलेबल है और क्या एज है? वाइटल एक्सैंड्रीन है। जी जी, इसके भी ब्रीड नहीं है क्योंकि ये तकरीबन 3.5 साल का है, ये ब्रीड करेगा तकरीबन 5 साल के बाद। अच्छा, वाइट जो ब्रीड है थोड़ी सी डिले होती है। हाँ जी ठीक है, वाइट है, येलो है, ये तकरीबन इसके जो मेल है ना, जी जी, 5 साल के बाद ये यंग होते हैं। ठीक है, मतलब ठीक हो गया। और इसकी प्राइस क्या है वाइट की? वाइट का बड़ा पेड़ तकरीबन 90-95 लाख रुपया रेट है। 90-95 लाख। और जो इसके कह लेंगे जो बिल्कुल 3-4 मंथ के होते हैं उनकी क्या प्राइस है? जो सेल्फ पे बच्चे हैं मेल फीमेल, वो तकरीबन इस वक्त 45-50 लाख के। 45-50। सही। तो आगे ये आई थिंक मेल जो है स्प्लिट में है? ये स्प्लिट है, और स्प्लिट फीमेल ब्लू ब्लू स्प्लिट है। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस है? ये भी तकरीबन 45 लाख तक है। 45 लाख तक। और इसकी भी जो ब्रीड है उसी तरह डिले होती है या इसकी ब्रीड थोड़ी सी जल्दी आती है? नहीं, ग्रीन जल्दी ब्रीड कर देता है। ठीक है, और जो तकरीबन 3-3.5 साल का ब्रीड कर जाता है, और येलो की जो फीमेल है वो 18 माह की भी ब्रीड कर। अच्छा, मतलब 18 माह की, मतलब अर्ली ब्रीड कर जाती है। सही सही सही। तो इसमें इसके कितने क्लचेस आ जाते हैं अगर सीजन के अंदर? सोलन तो 2 क्लच हैं, 3 भी आ सकते हैं। 3 भी आ जाते हैं उसमें, एक अगर फोस्टर पेयर हो तो उसमें फिर आप 3 भी ले सकते हैं। हाँ, 3 भी। ठीक है, और ये दोनों ही विजुअल हैं लेटिनो? ये विजुअल पेयर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये अडल्ट पेयर है ये? हाँ, ये तो ब्रीडर पेयर है। ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। तो वैसे भी हमारे जो पाकिस्तानी है वो एक अल्बाइनो और लेटिनो, ये 2 कलर हमारे फेवरेट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से जो मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है वो अल्बाइनो है या लुटिनो है? लुटिनो ब्लू, लुटिनो ब्लू। हाँ, अगर आपने आगे निकलना है फिर वो व्हाइट भी लेना चाहिए आपको। सही, और आपको बाकी चीजें भी रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसका बनाना है, फिर बनाना चाह रहे हैं अगर आप मजीद, तो उसको आपको हर कलर रखना। ठीक है, तो मतलब इस टाइम हमारे जो एलेक्जेंड्रीन की म्यूटेशन है उसका ट्रेंडिंग कह लें बहुत ज्यादा है, बहुत ट्रेंडिंग है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया पे इसकी वैल्यू है। ठीक है, और पाकिस्तान में आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बड़ा अच्छा फ्यूचर है। सही, तो माशाल्लाह आगे भी ये लुटिनो ही मेल फीमेल है, ये भी हमारा ब्रीडर पेयर है? ये भी ब्रीडर। सही, ये ओलिव है। अच्छा, ये ओलिव, ओलिव ये भी लुटिनो स्प्लिट है, ये भी ब्रीडर पेयर है। सही, और इनके ऑन एन एवरेज कितने अंडे आते हैं एक क्लच के अंदर? ये 4 भी करते हैं, 5 भी करते हैं, 4 बच्चे भी निकालते हैं, मोस्टली होते हैं 3 बच्चे, 3 से 4-5 भी निकल सकते हैं। ठीक हो गया, और आगे ये भी माशाल्लाह से हमारा ब्रीडर पेयर है ये भी?
हाँ जी ये भी प्रे करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर एक बंदा है जो इसको एज ए हॉबी लेके चलता है उसे ज्यादा बेनिफिट होगा या एज ए बिजनेस लेके चलता है उसको ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें? ये हॉबी का आना पहले जरूरी है। वैसे तो आप इतना ये इतना मेहनत जो इतनी ज्यादा है आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते जब तक आपको शौक नहीं। शौक मतलब असल चीज है कि पहले इसको हॉबी बनाए, पेशेंस के साथ लेके चले, फिर इसका फायदा। आम बंदा ये काम नहीं करता। सही, मतलब आप ये रिकमेंड करेंगे अगर आपको शौक है तो आप इसमें? हाँ बिल्कुल। और आप क्या देखते हैं इसमें अर्निंग कैसी है, अगर हम कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कमाई कैसी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिजनेस में आप लेके जाते हैं इसको तो बड़ा अच्छा। सही सही। और आगे मैं ये देख रहा हूँ ये माशाल्लाह से ब्लू का पेयर है, ये हमारा ब्रीडर पेयर है। हाँ जी ये भी। अच्छा और इसकी क्या प्राइस है? ये भी तकरीबन 90 लाख रुपया रेट है इसका। 90 लाख माशाल्लाह ब्रीडर पेयर। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी सारी ब्रीड्स दिखाई हैं, येलो भी है, अल्बाइनो भी है, ब्लू भी है, ऑलिव भी है, इसमें जो कौन सी म्यूटेशन है जो सबसे अच्छी ब्रीड करती है? सारे अच्छे करते हैं। और मतलब इसमें टफ, अगर आप कहते हैं कि ये ज्यादा टफ है इसकी ब्रीड लेना, वो कौन सी है? टफ नहीं है, इसकी एज पूरी होनी चाहिए, मेल की एज पूरी होनी चाहिए। वाइट है तकरीबन 5-6 साल का जाके वो ना सही यंग होता है, फिर इसको पेयर बनाना चाहिए। ठीक हो गया। अब व्हाइट की हमने बताया कि मेरा डिले करता है, बाकी इसमें ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है, ये तकरीबन ज्यादा लेट करते हैं, ग्रीन जल्दी 3 साल का कर जाता है। सही। अच्छा बाकी माशाल्लाह से मैं केजेस का साइज देख रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने ये साइज रखा होता है केज का, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज रॉ के लिए कौन सा होना चाहिए? स्टैंडर्ड साइज यही होना चाहिए, जितना बड़ा आप केज देंगे उतना बेहतर है। ये क्या डायमेंशन है जो हमने इस टाइम लगाए हुए केजेस? 14 फुट गहराई है इसकी। 14 फुट, ठीक है। और 3.5 फुट चौड़ाई और 4 फीट इसकी हाइट है। ठीक है। और ये जो बर्तन आपने लगाए हुए हैं ये आपने बाहर वाली साइड पे लगाए हुए हैं, इसका क्या बेनिफिट है? जरा दाना इजी आता है और ये जितना है ना नीचे गिर जाता है और परिंदा वो गंदा नहीं करता इसको, परिंदे ने आना है इसमें खाना है और वापस चले जाए। ठीक है, क्योंकि ये डिजाइन मोस्टली मैं अब्रॉड में देखता हूँ, पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसे सेटअप बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये डिजाइन आपने मतलब कहीं से कॉपी की है या आपके खुद ही अपना एक इन्वेंशन है? ये अपनी सोच थी ये सारी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो अब ये तो आज आप देख रहे हैं, मैंने 20 साल पहले ये बनवाया। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त, मतलब इस सेटअप को तकरीबन इतना अर्सा हो गया। सही। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने कैमरेज वगैरह भी लगाए हुए हैं, आपने मतलब हर केज का अलग कैमरा लगाया हुआ है या? नहीं, ये जोन से पेयर को हमने उसकी मूवमेंट देखनी होती है ना। जी जी, उसको हम ये कैमरा लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और बाद जगह पे मैंने देखा कि बॉक्सेस के अंदर भी केज लगाए हैं उन्होंने कैमरा, सारे बॉक्स के अंदर कैमरे। अच्छा, इस टाइम अवेलेबल है कैमरा? हाँ। अब दिखा सकते हैं मुझे किसी केज में इसमें? हाँ जी दिखा सकते हैं। जी दिखाइए, ये हर बॉक्स के बाहर जो है कैमरा लगा हुआ है, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? इसका बहुत बेनिफिट है, जो आपने डिब्बा खोलना है फीमेल बहुत डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसको नीचे बैठ के आप इसको, क्योंकि हमें बड़े क्यूरियस होते हैं जब ब्रीडिंग कर रहा होता है, लेंग आ रही होती है, तो हम जो है बार बार खोलते हैं उसे, बर्ड जो है वो तंग होता है। मतलब ये जबरदस्त चीज है। अगर ये भी मैंने इसी सेटअप पे अभी तक देखी है कि मतलब इस बॉक्सेस के अंदर ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह आगे जाली लगा के इन्होंने कैमराज लगाए हुए हैं, तो बड़ी जबरदस्त चीज है। देखें इसके अंदर से आपको इसमें बार बार खोलते हैं बंद करते हैं तो आपका जो बर्ड है डिस्टर्ब भी होता है और समटाइम जो है वो अपने अंडे भी तोड़ देता है, तो इस चीज से बड़ी आपकी बचत रहेगी और बर्ड आपका स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में आपको चाहिए कि अपने बर्ड की जितनी केयर करें उनको स्ट्रेस फ्री रखें, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका आपको बहुत फायदा होगा। और मैं शायद भाई ये देख रहा हूँ कि ये आपने सफेदी की ये टहनियाँ रखी हुई हैं, इसका क्या बेनिफिट है? ये हफ्ते में 2 दफा डालनी चाहिए, ये अच्छी चीज है। सही, मतलब ये क्या स्ट्रेस फ्री करने के लिए या इससे कोई फिजिकली इनको बेनिफिट भी होता है? खाते हैं इसमें, काफी डालते हैं, बाकी भी ग्रीन फूड डालते हैं, ये भी डालते हैं। सही सही सही। अच्छा इसके अलावा जब ब्रीडिंग सीजन होता है इसमें कोई स्पेशल आप इनको कोई देते हैं, मेडिकेशन वगैरह भी देते हैं? नहीं नहीं, वो विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, बाकी जो टोटल डाइट है आप क्या समझते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, विटामिन्स वगैरह पे या डाइट के ऊपर? अच्छी डाइट होनी, अच्छी डाइट भी डालें लेकिन डाइट अच्छी। और जो फ्लाइट है, जो हम फ्लाइट देते हैं इनको, वो भी मैटर करती है? अच्छी, जितनी फ्लाइट देंगे उसमें इनफर्टिलिटी कम आएगी। सही, ज्यादा अच्छे बच्चे ही पाल लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जिस तरह का इस टाइम मौसम चल रहा है
इसमें सफोकेशन बहुत ज्यादा है, हफ्स बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट 3 वीक से जो मौसम चल रहा है अक्सर बर्ड जो स्ट्रेस में जा रहे हैं उस काफी जगह मोर्टेलिटी भी देखने में आई है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? और हवा सर्कुलेशन करनी चाहिए, एयर कूलर चला दें पानी के बगैर या पंखे लगा दें। जी जी, अब इस टाइम भी मैं देख रहा हूँ अपने पैड वाले कूलर यहाँ पे लगाए हुए हैं जो पानी के बगैर चल रहा है। जी जी, और बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे हफ्स फील नहीं हो रही, ना नीचे हो रही है ना आपके ऊपर वाले सेटअप पे हो रही है, माशाल्लाह बड़े बर्ड सारे चला दें, पंखे चला दें बगैर पानी के, आप एयर कूलर चला दें। सही, ब्रीडिंग की बात भी हो गई है, उसके बाद आपने कैमरे भी दिखा दिए, अब तो ये बताइएगा कि इस तरह अक्सर बर्ड में कोई हल्की फुल्की इस तरह सीजनल वेरिएशन होता है, तो उसमें कोई ना कोई डिजीज आती है, फ्लू हो जाता है या कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी मेडिकेशन करते हैं इनमें? इसमें एंटीबायोटिक होती है, बेहतर है किसी वेट के पास जाए, उससे मशवरा करें, मतलब खुद से डॉक्टर ना बने इस मामले में, खुद से डॉक्टर ना, क्योंकि माशाल्लाह जितनी एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं ये इस पे खुद तजर्बे करना तो बेवकूफी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अदर बिग बर्ड्स भी अवेलेबल हैं ये रा के अलावा? रा के अलावा हमारे पास पहले तो बड़ा कुछ था, मकाओ थे, काकाटू थे, सही, लेकिन काफी कम कर दिया है, अब ग्रे हैं थोड़े से बस। तो ग्रे का ब्रीड अच्छा पेयर है, 2 लाख का, 2 लाख का ब्रीडर पेयर। हाँ जी ब्रीडर। अच्छा, और इनके कितने क्लचेस आए थे ऑलमोस्ट? 4-5। ठीक है, आगे भी बर्ड लगे हुए हैं? हाँ जी आगे, आगे सारे माशाल्लाह ग्रे लगाए हुए हैं इन्होंने, ये तकरीबन 1.5 साल का पेयर। ये कौन सा बर्ड है? ये ग्रे अलेक्जेंडर, माशाल्लाह ये काफी रेयर है पाकिस्तान में, ग्रे मैंने बहुत कम लोगों के पास देखे हैं। हाँ जी, तो इसकी क्या प्राइस चल रही है पाकिस्तान में इस टाइम? ये भी तकरीबन 80 लाख तक चल रही है। अच्छा माशाल्लाह, ये अगेन येलो, माशाल्लाह ये भी ग्रे में? हाँ जी ये भी ग्रे। ये किस एज में है? ये तकरीबन साल के हैं, माशाल्लाह। ये ऑलिव में है? हाँ जी ये ऑलिव पे है। सही, ये कौन से बर्ड के बारे में बताइए? ये रेड विंग है। रेड विंग, ये ऑस्ट्रेलियन पैराकीट्स होते हैं। हाँ हाँ, रेड विंग इसको होते हैं, बहुत ही प्यारे कलर में माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी फिर वंस अगेन रा? हाँ जी ये भी लग रहा है। अच्छा, बाकी अब फ्लाइट से हमें विजिट करवाएं, फ्लाइट और उसके बेनिफिट्स भी बताएं साथ साथ। पहले तो मैं ट्रे का बता दूं, आपने देखा होगा हमारे कोई ट्रे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये लोग जो ब्रीडिंग सीजन आता है ना ट्रे अक्सर नहीं निकालते, अंडे दिए ट्रे नहीं निकाले, वो बड़ा गंद बनता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए सफाई को मद्देनजर रखते हुए ना हम ये ट्रे सिस्टम खत्म कर, बस नीचे से उसकी जो सफाई हो जाए बस कर लेते हैं, क्योंकि परिंदा जब कोई ना कोई 15 साल चीज खाता है तो ये बीमार होता है, ऐसे ही है उसको फिर। और ये जो मौसम है फंगस के लिए इस टाइम कहने के आइडियल मौसम है इस टाइम, जो जब भी हमने फास्ट फूड डालना है वो भी जल्दी से जल्दी उठाएं, ये नहीं कि आपका सुबह डाला है शाम तक पड़ा है। कितने घंटे रखना चाहिए आजकल फास्ट फूड? आजकल तो 4-5 घंटे तक। ठीक है, और इसके अलावा सेब का सिरका इनको इस सीजन में देना चाहिए? हाँ बहुत अच्छी। कितने दिन बाद देना चाहिए? हफ्ते में एक दफा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे लीवर टॉनिक वगैरह भी हम देते हैं हैपामार्ज इस तरह के, वो देने चाहिए इस मौसम में? हाँ, वो साल में दो दफा देने चाहिए। सही, बाकी हमें अपने फ्लाइट के भी दिखाएं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके। ये फ्लाइट के जिसका बताएं जरा मुझे, ये कौन से पैरेट है? ये बड़े मुस्तैश है, मुस्तैश मूछों वाले। हाँ जी सही, जबरदस्त, ये सनकन हो रहा है, सनकन और तो माशाल्लाह इस टाइम काफी ज्यादा ब्रीड हो रहा है पाकिस्तान में। ये अलेक्जेंड्रीन है ये, माशाल्लाह फीमेल है ब्रीडर। अच्छा, बाकी ये आगे फ्लाइट केजेस शायद इनके बारे में बताएं कि फ्लाइट केजेस का क्या रोल है। हाँ, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी जी, इतने हमारे बच्चे निकलते हैं उसको 5-6 महीने की उम्र में हम इसमें छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें फ्लाई देते हैं, साइज कलर सब कुछ बहुत अच्छा बना। ठीक है, और ये सारे सेम साइज में या डिफरेंट साइज के लगे हुए हैं? फ्लाइट तकरीबन सेम साइज, थोड़ा बहुत फर्क हो माशाल्लाह से। यहाँ पे 5-6 फ्लाइट केजीज हैं। हाँ, ये रिंग वगैरह इन्होंने इधर ही निकाले हैं, पट्टे थे। अच्छा, अब इन्होंने रिंग निकालनी है, ये इधर ही निकाले। फर्ज करें एक पैरेट को हम 2 साल रखते हैं छोटे केज में और एक को रखते हैं 2 साल हम फ्लाइट केज में, क्या डिफरेंस आएगा? बहुत फर्क है, बहुत फर्क का, बड़ा फर्क आएगा, कलर का, लेंथ का,
قوت مدافعت زیادہ ہو ٹھیک ہے اب دیکھا گیا ہے کہ اکثر برڈ جو ہے نا فلائٹ میں چھوڑنے سے وہ بریڈ بھی جلدی کر جاتے ہیں صحیح ہے صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ ماشاء اللہ آگے تک وہ فلائٹ کیجز لگے ہوئے ہیں اس سائڈ بھی ہیں تو فلائٹ کیج اپنا اس کا امپورٹنٹ رول ہے یہ بڑا اچھا پیٹ ہے ہمارے پاس اس نے پالا ہے اچھا لوری کیڈس ماشاء اللہ سیم ہے یہ جسٹ کی لوری چھوٹا سا بچہ اس نے رکھا ہوا ہے اچھا باہر نکالو اس نے پالا ہے صحیح سارا لوری ہم نے سیل کر رہے تھے 120 پیئر تھے ہمارے پاس لوری کے اچھا اچھا ہمارے پاس بہت اچھی بریڈ ابھی ایک ہی یہ اس نے پیار سے رکھا ہوا اس نے اس کو ہم نے بیچے ہی نہیں اچھا اور بھی اسے اٹھائے گا تو یہ بائٹ کرے گا نہیں آپ پکڑ سکتے اچھا ہنس رہے ہو شاہد اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ کون سی بریڈ ہے یہ ڈربین پیرٹ ہے اچھا یہ ہوتے ہیں سری لنکا سری لنکن بریڈ ڈربین مالابار مستیش یہ بریڈر پیئر ہے نہیں ابھی یہ ہمارے پاس بریڈ نہیں کس سے ویسے ایج میں بریڈ کرتا ہے ساتھ جو تین ساڑھے تین سال میں کر رہے ہیں تین ساڑھے تین جی شاہد اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا یہ کالا کاکاٹو ہے آسٹریلین برڈ ہے اچھا ٹھیک ہے اور بیوٹی میں کلر فل ہے باقی آپ دیکھیں گے تو وائٹ ہی ہوتے ہیں تقریباً تو یہ کس ایج میں بریڈ اسٹارٹ کرتا ہے تقریباً پانچ چھ سال کا بریڈ کرتا ہے پانچ چھ سال کا کرتا ہے اور ایک لچ میں کتنے ایگ جاتے ہیں اس کے چار سے پانچ اور ڈائٹ ان کی سیم را والی ہوتی ہے یا ڈفرینٹ ہوتی ہے ہاں تقریباً ویسی ہی ڈائٹ صحیح آگے دکھائیے کون یہ امازون ہے ہمارے پاس ایک نیچے بھی آپ نے ماشاء اللہ سے را لگائے ہوئے ہیں یہ امازون بلو پرنٹڈ امازون ماشاء اللہ بہت اچھے سائز میں برڈ ہے یہ اور یہ کس سیزن میں جا کے لینگ اسٹارٹ کرتی ہے یہ تقریباً برسات میں کرتے ہیں برسات کا موسم زیادہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور ان کے کتنے کلچز آتے ہیں دو کلچ کر رہے دو کلچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس ٹائم پاکستان میں اس کا یہ بریڈر پہ تو چھ سات لاکھ کا نہیں ملتا ویسے لیں گے تو چار ساڑھے چار لاکھ ریٹ ٹھیک ایک لچ میں تقریباً ایوریج کتنے چار بچے نکالتے ہیں چار بچے نکالتے ہیں صحیح ہے یہ والے کیجز بھی سیم ان کی ڈیپتھ کتنی ہے ویسے یہ نو فٹ ہے نو فٹ ہے مطلب یہ بھی چل جاتے ہیں راہ کے لیے ہاں بہترین اس میں یہاں سے اندر دانا پانی یہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بیک سائڈ پہ یہاں پہ اسپیس نہیں ہے تھرو آؤٹ یہ یہاں پہ ایسے کیجز لگے ہوئے جیسے اوپر آپ نے دیکھے تھے اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم یہ کتنی ڈیپتھ ہے یہ ہے آٹھ فٹ آٹھ فٹ یہ نو فٹ ہے یہ آٹھ فٹ ہے اور اوپر چودہ فٹ ہے وہ دس فٹ آگے دس فٹ ہے جتنا آپ زیادہ ڈیپتھ دیں گے جتنی آپ فلائنگ دیں گے برڈ کو وہ اتنا زیادہ ہیلدی ہوگا اور اچھی بریڈ کرے گا بریڈر سے نیچے بھی کچھ میوٹیشن کے برڈز ہیں ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ بچے بہت ہی ماشاء اللہ کمال سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ بالکل بھی سفوکیشن فیل نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہد بھائی یہ کون سے برڈ ہیں یہ بلیک یہ ہے وائٹ بیلٹ کائٹ کائٹ برڈ ہے کائٹ ٹھیک ہے یہ ایڈلٹ ہے یہ وائٹ بیلٹ کائٹ ٹھیک ہے اور یہ بلیک بلیک ہیڈڈ کائٹ یہ کہاں کے ریجن کے ہیں یہ کس ریجن کے برڈ ہیں یہ بھی تقریباً جب ہلکی سی گرمی شروع ہوتی ہے نا تب یہ اچھی بریڈ کرتے ہمارے پاس اچھی بریڈ ہے صحیح نیچے کون سے نیچے بھی وہی ہیں اور ان کی کیا پرائز ہے تقریباً اس کو پانچ لاکھ کا پیئر ہے اچھا ماشاء اللہ یہ بھی کافی ایکسپینسو ہاں یہ کوئی ڈیڑھ لاکھ کا پیئر صحیح یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اوپر سے دیکھیں ٹوٹلی مطلب یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے وینٹیلیشن کا اور کہہ لیں کہ یہ جو موسم ہے یہ ٹوٹلی آپ کا وینٹیلیشن پہ اسٹینڈ کرتا ہے وینٹیلیشن اچھی ہوگی تو آپ کا برڈ جو ہے اسٹریس فری رہے گا اچھا نیچے جائیں اس سے اوپر آئیں یا اس سے اوپر جائیں آپ کو سیم انوائرمنٹ ملے گا بالکل بھی آپ کو یہاں پہ گرمی فیل نہیں ہوگی کسی قسم کی اور یہ نیچے دیکھیں انہوں نے نیچے بھی اسپیس چھوڑا ہوا کہ مطلب صفائی وغیرہ کرنا یہاں پہ بڑا ایزی ہے
और इनके दाना पानी के लिए चाहिए सिस्टम रखा हुआ है। सही, मतलब दाना पानी करना बहुत ही ईजी है, बड़े ही इन्होंने मतलब सफाई के लिए भी बनाई है, यही कोशिश की है। आपको ट्रे सिस्टम के ही नजर आए, ऐसे सारी ट्रे सिस्टम ने ख़त्म कर, मतलब यहाँ से देखें सफाई तो करना भी बड़ा ही सर, नीचे तक ट्रे कोई ट्रे नहीं है, ये लटके साफ कर देते हैं। सही, और ये जो तार लगाई गई है ये किस गेज में है? ये 10 नंबर तार, 10 नंबर मतलब ये काका टूथ के लिए भी यही लगती हाँ। है और जो राह उनके लिए भी 10 नंबर ठीक है? नहीं, राह के लिए तो हल्की भी हो जाती है, मतलब ये मकाओ के लिए हमने बनवाए थे केज तब पहले, यहाँ पर हमारे मकाओ। सही, मतलब मकाओ के लिए 10 नंबर और जो राह है उनके लिए, उनके लिए 12 नंबर भी सही है, 12 नंबर भी चाहिए। ये भी जाली देखे ना, ये चाहिए, ये 12 नंबर में है। हाँ, ये जाली 10 नंबर में बनी है, आप 11 नंबर 12 नंबर भी बनवा सकते। सही सही जी। तो दोस्तों, शाहिद भाई हमें इस टाइम नर्सरी में ले आए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रूडर, ये किस कंपनी का ब्रूडर है? आर्कम। आर्कम, ठीक है। और इसके अलावा ये छोटे ब्रूडर भी हैं, ये इंक्यूबेटर है, ये इंक्यूबेटर है इनका कंपनी का, ठीक है। और ये भी इंक्यूबेटर है? हाँ हाँ जी, ये भी। सही, और ये ब्रूडर? ये ब्रूडर। सही, ये भी इंक्यूबेटर है इनका, इसका आर्कम का। अच्छा, ब्रिंजा का बेहतर होता है या आरकॉम का, कौन सा बेटर है? ब्रिंजा ज्यादा, ब्रिंजा ज्यादा अच्छा है। सही, और इस टाइम पे इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कुछ ब्रूडर्स पड़े हुए हैं, तो अभी तो कह लें कि अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसलिए एज इट इज कंडीशन में पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग सीजन में यहाँ पे बड़ी रौनकें होती हैं और अल्लाह इनकी रौनकें जो है कायम दायम रखे, आमीन। तो बाकी इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग सीजन में एक चक्कर लगाएंगे शाहिद भाई के पास, थोड़ी सी इनको तकलीफ देंगे। तो शाहिद भाई, आपके टाइम का बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके पास आता रहूं तो आप वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए स्पेशली जो है आज मैं गुजरांवाला एएस आइवरीज को विज़िट करने आया था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी संडे को पेट मार्केट में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।